तो आज हम आ गए हैं आइसक्रीम 8 के अंदर। देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है। तो यार हमारे पेरेंट्स बात कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ, और भाई ये पुलिस वालों को कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो गायब हो चुके हैं, और भाई वो कह रहे हैं कि उसके साथ उनके भाई फ्रेंड्स भी गायब हो चुके हैं। और भाई पुलिस वाला कह रहा है कि भाई सिर्फ वही नहीं गायब हुआ, बल्कि इसके अलावा इसके पास हमारे पास और भी ऐसी कंप्लेंट आया है कि इन बच्चों के अलावा और भी बच्चे हैं जो कि भाई यहाँ से किडनैप हो चुके हैं, और भाई हम उनको ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं। ओके भाई ये बहुत ही ज़्यादा भाई हफ्ते से ये काम चलता जा रहा है, बट हमें पता है कि वो सभी कहाँ पर हैं। भाई वो किडनैप हो चुके हैं इस आइसक्रीम बंदे की फैक्ट्री के अंदर। भाई इस आइसक्रीम वाले बंदे ने इनको किडनैप कर लिया है, और यहीं से हमारी गेम स्टार्ट होती है। ओके भाई ये देखो भाई हमारा आइसक्रीम वाला बंदा गेट को ब्रोक करने की ट्राई कर रहा है, बट भाई हमको यहाँ से जल्द बाहर जाना है, और मेरे को भाई यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल दिख रहा। और भाई ये देखो भाई यहाँ से वो रहा आइसक्रीम वाला बंदा, और भाई हम आपको ढूंढते हैं कि भाई हम यहाँ से कैसे जल्द से जल्द एस्केप कर सकते हैं। ये रहा क्रोबार, इस क्रोबार को उठाते हैं, और भाई ये नीचे रास्ता है आई थिंक सो, मैं यहाँ से हम एस्केप कर सकते हैं। इसको करते हैं भाई सोफे को साइड, और भाई इस थोड़ा सा और सोफे को साइड करते हैं, और अब हम इसको ओपन करके यहाँ से बाहर एस्केप कर सकते हैं वो भी इजीली। और हेलो भाई हमारे जो फ्रेंड्स है भाई, ओके भाई इनका लेस माइक और चार लिया, और भाई इनको कह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से आओ। और भाई पता नहीं वो आइसक्रीम वाला बंदा कब गेट को तोड़कर अंदर आ जाए। देखो भाई अंदर अंदर आ ही गया। अच्छा भाई हम यहाँ से एस्केप हो चुके हैं। भाई ये बहुत ज़्यादा भाई गुस्से में आ जाएगा, पता नहीं अब ये क्या करेगा। ओके भाई भाई ये हमारे लिए अब एक और नई प्रॉब्लम खड़ी करने वाले है। पता नहीं हम इस फैक्ट्री से एस्केप हो भी पाएंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं। ओके भाई भाई यार इसके भाई ईगो पर बात आ चुकी है। ओके भाई इसने कुछ बटन दबा दिए, देखते हैं इस बटन के साथ क्या होगा। ओके भाई सभी फैक्ट्री के डोर क्लोज हो चुके हैं, और भाई हम लोग भाग कर यहाँ पर आ चुके हैं। ओके भाई इन लोग भाई कह रहे हैं भाई चुप रहो। ओके भाई सभी के सभी भाई इन लोगों ने मतलब के उस आइसक्रीम वाले ने बंदे ने सब कुछ बंद कर दिया है, और अब अगर हमको यहाँ से बाहर जाना है तो यहाँ पर टोटल 3 इंजन्स है, और हमको इन 3 इंजन्स को बंद करना है। और अगर हमको एक दूसरे से बात करनी है तो हमारे पास है ये। ओके 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 भाई इसको जल्द से जल्द हमको इसको फैक्ट्री को बंद करना है, उनमल जनरेटर को बंद करना है, और फैक्ट्री से जल्द एस्केप करना है। और चलते हैं यहाँ से बाहर। और ये लोग भाई अभी तक यहाँ पर रहने वाले हैं, और यहाँ पर एक जब देखते हैं कि भाई हम जोसेफ कॉटेज यहाँ पर चलते हैं। ओके भाई यहाँ पर जाकर सबसे पहले हम एक जनरेटर को बंद करते हैं, उसके बाद हमको और दो जनरेटर बचेंगे उसको बंद करते हैं। और अब हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ से बाहर। ओके यहाँ से हमको सबसे पहले बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है। मेरे को यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है, कोई इवेंट है। ओके बट सबसे पहले ऊपर जाकर देख लेते हैं, शायद से हमारे कोई काम की चीज़ ऊपर हो, बट नहीं यहाँ पर हमारे काम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ पर कोई में कुछ है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं यार, नीचे चलते हैं और वेंट के ज़रिए से बाहर चलते हैं। ओके यहाँ पर कुछ नहीं है जो कि, चलो भाई हमारे पास सिर्फ वेंट के अलावा हम यहाँ से भाग सकते हैं। ओके ये टूट चुका है, और अब बैठ कर चलते हैं। वाह ये कौन है? Is this my son's factory? ओ भाई इविलन यहाँ पर क्या कर रही है? और भाई आइसक्रीम मैन है वो, इविल नन का बेटा है। ओ भाई इसने मेरे को देख लिया। ओ भाई ये भाई अपने भाई एमल से मेरा सर फोड़ने के लिए आ रही है। भाई देखते हैं भाई अब क्या होगा। भाई अब यहाँ से एस्केप हो पाएंगे? ये रे भाई इविलन भागो यार सबसे पहले यहाँ से। ओके भाई हमारे पीछे आ चुकी है। ओके ओ भाई यार यहाँ पर क्रोकोडाइल भी है। ओके ये रहा क्रोकोडाइल। ओके ज़रा सा पीछे देखते हैं, आई थिंक सो हम यहाँ से बच चुके हैं। और हमारे पास एक ट्रैप है जो कि नीचे है, ओ यहाँ से पीछे नहीं है। ओके भाई आई थिंक सो इवेनल ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया। ओ कोई बात नहीं, इसके लिए ट्रैप बिछाते हैं। तो चलो भाई यहाँ पर ट्रैप बिछ चुका है, अब भाई हमारा पीछा बिल्कुल नहीं करेगी। और यहाँ पर ये कुछ तो है। ओके कोई बात नहीं, एनिमी फेटेड दे विल वेक अप इन 30 सेकेंड। ओ भाई अब ये 30 सेकेंड तक हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। ओके यहाँ पर ये क्या है अंदर? ये कैबिनेट है, और इसके अंदर हम छुप सकते हैं। ओके हम यहाँ छुप सकते हैं, ये अच्छी बात है।
ओके यहाँ से क्या करना है? यहाँ पर कुछ नहीं। आई साइड से यहाँ पर एक कोई की लगी, कोई यहाँ पर कोई इंजन टाइप का है। और ये घर है और ये भी कैबिनेट है, इसको ओपन करके रखते हैं। अगर वो हमारे पीछे है तो तभी हम इसके अंदर छुप जाएंगे। ओके आई थिंक सो ये एक इंजन रूम लग रहा है, जैसा मेरे को लग रहा है। Generator. It's located जनरेटर है भाई inside a ऐसे तो। cottage to the north of the factory. और Get हमने there अपने भाई फ्रेंड्स को ASAP. बुला लिया Over. है। ओके भाई ये सब चुक आज सभी ओके ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ओके और अब हमको क्या करना है कि अब हमको क्रोकोडाइल के एग को भाई क्रोकोडाइल के वो मतलब कि घोंसले के अंदर रखना है, जो नेस्ट होता है उसके अंदर रखना है। और भाई इसके पास एक क्रोकोडाइल का एग है, ये रहा। I found this egg on my way here. Take it ओके to its भाई mom, इसने please. एग तो ढूंढ लिया है। और अब हमको देखते हैं कि कितने एग ढूंढने हैं। और ये रहा डोर, हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ओके बट ज़रा सा ध्यान से कहीं ईविल ना हो बाहर। और भाई मैंने क्रोकोडाइल वाटर के अंदर है। ओके आई थिंक सो मैंने यहाँ ही कहीं पर ये रहा। ओ भाई क्रोकोडाइल यहाँ पर है। ओ शिट भागो यार यहाँ से। ओके ये अच्छी बात है, क्रोकोडाइल पानी से बाहर नहीं आ सकता। ओके इस क्रोकोडाइल थोड़ा सा दूर दूर जाने का वेट करते हैं, क्योंकि ये दूर नहीं जाएगा तो भाई ये हमको भाई फिनिश कर देगा यहीं पर। ओके थोड़ा सा वेट करते हैं, ये दूर जा चुका है ये अच्छी बात है। ओके यहाँ से चलते हैं और इसको रखते हैं भाई यहाँ पर। ओ भाई भाई हमको टोटल 3 क्रोकोडाइल के एग ढूंढने हैं भाई, मैं मरता मरता बचा। और हमारे पास सिर्फ 2 एग और बचे हैं। और ढूंढते हैं क्या यहाँ पर कुछ एग है, यहाँ पर नहीं है। ओके और भाई ज़रा सा आस पास ध्यान से, पता नहीं भाई कौन हमारे ऊपर कहाँ से कब अटैक कर दे। ओके यहाँ पर कुछ नहीं है। आई थिंक यहाँ पर शायद से कुछ हो सकता है, क्योंकि यार ये कॉर्नर के अंदर है। नहीं यार मेरे को ये लगा था कि यहाँ पर कुछ होगा, बट यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके यहाँ पर कहाँ पर भाई, एक ये रहा शायद से इसके अंदर होना चाहिए। ओ ये रहा। ओके भाई हमको टोटल 2 एग्स मिल चुके हैं और अब हमको बस एक एग को ढूंढना है। और इसको सबसे पहले इसको जाकर वहीं पर रखते हैं और देखते हैं क्रोकोडाइल तो यहाँ पर नहीं है। अच्छा हो क्रोकोडाइल यहाँ पर आसपास नहीं है, तो जल्द से जल्द रखते हो। ओ शिट भाई भाई पता नहीं ये कब कहाँ से आ जाता है। ओके थोड़ा सा वेट करते हैं इसके फिर से दूर जाने का। अच्छा है भाई जी जल्द ही दूर जा लेता है अगर भाई ये यहाँ पर रहता। वो फिर से आ रहा है, इसको रखते हैं यहाँ पर। ओके भाई तू रख चुके हैं हम। और भाई सामने भाई ईविल नन है, वो देखो भाई सामने ईविल नन है। भाई मेरे को उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना, अगर भाई ईविल नन के मैं हाथों में आ गया तो भाई वो मेरे को भाई फिनिश कर ही देगी। ओके यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख लिया, बट यहाँ पर तो भाई कुछ भी नहीं है। ओके दूसरी तरफ जाकर देखते हैं, क्योंकि इस बार तो मुझे पता है कि ईविल नन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ईविल नन दूसरी तरफ चली गई है। ओके और यहाँ पर कुछ है, वो यहाँ पर एक क्रोकोडाइल का और एग है। ओके ये हमको टोटल सभी क्रोकोडाइल के एग मिल चुके हैं, ये अच्छी बात है। इसको रखते हैं यहाँ पर। ओके भाई 3ों क्रोकोडाइल के एग हो चुके हैं। ओके भाई अब हमको क्या करना है? ओके यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा भाई मेरे को ईविल नन को तरफ देखते हैं कि यहाँ पर ईविल नन है। अच्छा भाई यहाँ पर ईविल नन नहीं है, एनिमी मर चुके हैं, बट कैसे मुझे नहीं पता। ओके जोसफ कॉटेज, ओके तो लोकेशन बताई गई है, तो यहाँ पर कुछ तो है आई थिंक सो। ये किसी चीज़ की फॉरेस्ट गेट की। ओके भाई मैंने सबसे पहले आकर एक रूम देखा था, आई थिंक सो ये उसके अंदर शायद से लग सकते, क्योंकि मैंने वहीं पर एक होल देखा था। और जल्द से जल्द उतर जा, पता नहीं वो ईवेलन कभी कभी यहाँ पर आ जाए। ओके ओके ये बस हमने पिकअप कर लिया है। ओके भाई हमारे पास आ चुकी है। और भाई मेरे को आई थिंक सो उसी रूम के अंदर लगे थे, जो कि बिल्कुल सामने है इस तरफ। ओके भाई बट ज़रा सा ध्यान से। ओके भाई वो वाला रूम की मैं बात कर रहा हूँ। ओके यहाँ से चलते हैं, बट ये हमारे काम किस काम आएगी। ओके की होल, यहाँ पर की होल है, इसके अंदर लगाते हैं। लग जा। ओके ये लग चुकी है, पूरी बंद हो चुकी है। ओके अब आई थिंक तो हम यहाँ से एस्केप हो सकते हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट की गेट की थी। और अगर कोई गेट ओपन हुआ है, और भाई ये ईविल नन का इसके पास जा रही है। ओके भाई यहाँ पर भाई मेरा फ्रेंड है एक। ओके भाई इसने इसको मार दिया और इसके पास भाई गन है। ओके फाउंड This? Well, I found the डिस्प्ले key to केस, this लोकेशन display टू case and took it. बैक टू कैबिन। ओके भाई इसने भाई ये गन मिली थी और भाई
ओके भाई, इस गन का भाई क्या करना है मुझे नहीं पता। इसके अंदर टोटल 2 बुलेट्स है और भाई इविलेन अब 60 सेकंड तक नहीं यहाँ पर नहीं आने वाली। आई थिंक जो पहले इविलेन मरी थी तब भी भाई इसने ही उसको भाई फिनिश किया था। ओके यहाँ से चलते हैं। आई थिंक सो ज़रा सा ध्यान से इसका भाई क्या यूज़ है भाई मुझे नहीं पता। यहाँ पर जाकर देखते हैं कहीं का, यहाँ पर कहीं पर यूज़ था आई थिंक सो। यहाँ पर तो इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके मैं वापस जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। ओ शिट भाई, गलती से भाई गोली चला दी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बची है और अगर भाई ये भी मैंने गलती से वेस्ट कर दी तो भाई मेरा पता नहीं क्या होगा। और इविल लैंड भी मेरे पीछे पड़ चुकी है। ओके भाई जल्द से जल्द भाई ज़रा सा ध्यान से इविल लैंड को भाई घुमा कर चलते हैं। ओके भाई मैंने और अपने फ्रेंड से बात तो कर ली है कि भाई इसने कहा कि वे उसी रूम के अंदर भाई जो गैराज है उसके अंदर इसका काम है। बट मुझे नहीं पता लगा कि भाई कहाँ पर काम है। और भाई इविलर हमको आई थिंक फॉलो करते यहाँ से ही आ रही है। ओके यहाँ से चलते हैं। भाई सामने से कैसे आ गई यार इविलर? मुझे लगा कि ये मेरे को फॉलो करती करती है वहाँ से आएगी। ओके भाई मैं इसके ऊपर एक ही भी अब बुलेट वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही बुलेट है और मुझे नहीं पता कि और बुलेट मिलेगी या फिर नहीं। ओके भाई ये मेरे को फॉलो करती आ रही है। अब मेरे को भाई घूम कर उस दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। ओके ये आ रही है भाई, मैं इसको घुमा कर चकमा देकर आता हूँ। इसको भाई पीछे करते हैं। हेलो इविलन, मैं यहाँ पर हूँ। ओके भाई यहाँ से आनी चाहिए, अगर दूसरी तरफ से आ गई तो। ओके भाई यहाँ से आ चुकी है। ओके ये अच्छी बात है, अब मैं यहाँ से घूम कर जा सकता हूँ हमारे रूम के अंदर। और आई थिंक सो ये उस गैराज के अंदर बिल्कुल नहीं आ सकती। तो चलो चलते हैं उस गैराज के अंदर क्योंकि गैराज के अंदर जाने के लिए भाई ये छोटा सा सिर्फ वेंट ही है और भाई ये बिल्कुल आई थिंक सो झुक कर नहीं चल सकती। ओके भाई इसको अच्छा हो पता नहीं चला बट उस उन लोगों ने कहा था भाई यहीं पर उसका काम है। ओके वहाँ पर कुछ है गैराज डोर। ओके भाई इसी को तोड़ना था। ओके ये अच्छी बात, ये टूट चुका है। और या फिर अब मैं गाड़ी को चला सकता हूँ, ये अच्छी बात है। गाड़ी को चलाते Charlie, हैं get in position. और चार्ली कह Roger दिया है कि भाई अपनी जगह पर आओ। और भाई ये यहाँ पर चढ़ रहा है और गिर मत जाना रे। ओके यहाँ से चढ़ चुका है और भाई हम गाड़ी लेकर आते हैं। ओके ओके हम गाड़ी लेकर आ चुके हैं आइसक्रीम मैन की। और भाई कितनी गंदी गाड़ी है भाई, ऊपर वेपन लगा हुआ है। वाह भाई क्या खतरनाक वेपन है। आई थिंक तो चार्ली ही इसको अब कंट्रोल करेगा, मतलब कि वेपन को कंट्रोल करेगा। और भाई पता नहीं इस वेपन का ही क्या आगे आगे काम हो सकता है। आई थिंक सो जो आगे हमको शायद से कुछ मिशन होगा जिससे कि मदद से हमको भाई बंदों को मारना होगा। ओके भाई डिस्ट्रॉय द वीक पॉइंट इन द टावर। ओके भाई इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर भी एक्स बनी हुई है, हमको उनको अब डिस्ट्रॉय करना है और ये काम है अब Time to हमारा। destroy the weak point of ओके the ये रहा tower एक। while I restart the van. ओके भाई हमारी वैन भी यहाँ पर रुक चुकी है और भाई हमको डिस्ट्रॉय करना है इनको जल्द से जल्द। और वहाँ पर ये देखो भाई आइसक्रीम मैन के छोटे छोटे से भी बंदे कहाँ से आ रहे हैं, इसको मारते हैं। ओके भाई जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करते हैं। और हमारे पास ये रहा, एक और बचा है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं और एक इसको डिस्ट्रॉय। अब निशाना लग जा, वो सिर्फ ये लग चुका है। ओके हमारी वैन भी स्टार्ट हो चुकी है। वो भाई वो हमारे कितने पास आ चुके थे क्योंकि यार मैं उनके ऊपर एक भी बुलेट वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ओके यहाँ से चलते हैं। ओके भाई आइसक्रीम वाले एक बात तो अच्छी है भाई, जितने भी निशाने लगाते हैं भाई जो आइसक्रीम मैन के बंदे हैं वो फ्रोजन हो जाते हैं उसी टाइम। अगर मैं इसके ऊपर कहूँ ये टूट चुका है, अभी हाँ भाई तोड़ रहे हैं इसको भी, उसके बाद इसको भी तोड़ते हैं। और ये आइसक्रीम मैन वाला बंदा ये अगर मैं इसके ऊपर मारूंगा तो भाई आइसक्रीम बन गया ये। ओके ये भी टूट चुका है। ओके और कौन सा बताए, ओ वो ऊपर बचा है यहाँ पर तोड़ते हैं। ओके ये भी टूट चुका है। और भाई जल्द से जल्द चलो क्योंकि यार ये पता नहीं भाई अभी और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ओके भाई अब कौन कितने वीक पॉइंट बचे हैं, क्योंकि अगर हम इन वीक पॉइंट का भाई हमारा एक भी वीक पॉइंट बच गया तो भाई ये फैक्ट्री बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी और हमको किसी भी Charlie, हालत में इस use this फैक्ट्री time को to डिस्ट्रॉय destroy the करना है weak क्योंकि point of यार the ये tower आइसक्रीम while I मैन वाला restart the बंदा van. बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके यहाँ से अब मैं इसको तोड़ सकता हूँ यहाँ से। और भाई ये इसके पिगलिंस भाई क्या मेरे ऊपर अटैक करने आ जाते हैं यार बार बार। ओके इसके ऊपर और बस ये बचा है इसके ऊपर। ओके चलो भाई हमारे वैन फिर स्टार्ट हो गई। देखो भाई भाई फैंसिस को तोड़ रहा है ताकि भाई वो हमारी वैन को डैमेज कर सके, बट भाई हमारे होते ऐसा कोई भी हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके ज़रा चलते हैं ध्यान से फिर से।
ओके भाई, अब कितने वीक पॉइंट्स बचे हैं? क्योंकि यार मेरे को अपने इस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना है, और भाई जल्द से जल्द यहाँ से एस्केप भी होना है। ओके भाई, यहाँ पर इस बार कुछ ज़्यादा ही वीक पॉइंट्स है, ये Charlie, अच्छी बात is है, this time to जल्द जल्द destroy the एस्केप weak points होंगे। of the tower भाई ये while I बंदे restart the कितने van? भाई यहाँ पर है? अभी सबसे पहले इसको फ्रोजन करते हैं, क्योंकि यार अगर ये मैं इसको फ्रोजन नहीं करूँगा तो ये हमारी वैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरी तरह से। सबसे पहले यार पॉइंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब वीक पॉइंट को तोड़ते हैं। ओके ये रहा भाई, एम भी नहीं लग रहा, और भैया आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, ये आइसक्रीम बन चुका है। ओके इसके ऊपर अब निशाना लगाते हैं। ओके यहाँ पर निशाना नहीं लगा, और यहाँ पर, ओ भाई कितने जल्दी आ रहे हैं ये लोग। और कोई बात नहीं, इस पे ऊपर हम फिर से ट्राई करते हैं, निशाना लग चुका है, बस अब एक ही बचा है। ओके वो टूट चुका था। ओके यहाँ चलते हैं भाई, एक पॉइंट बच चुका है। ओके यार आज से मैं दूसरी तरह शायद से उसको मैं डब डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, फिर कोई बात नहीं। ओके यहाँ से चलते हैं। ओके अब हमको अभी यहाँ पर, ओ फिर से हम आ चुके हैं, अब कुछ और Oh वीक no, पॉइंट्स the बचे van हैं, stalled. अब इनको डिस्ट्रॉय करते Charlie, हैं। use this time to destroy the weak points of the हम tower कर while रहे I हैं restart डिस्ट्रॉय। the van. ओके भाई आई थिंक सो भाई अब ये फैक्ट्री डिस्ट्रॉय होने वाली है, और भाई अब मेरा निशाना पहले से भी अच्छा हो चुका है। और भाई यहाँ पर ज़रा सभी को भाई ध्यान Oh रखना no, it's चाहिए। working, ओके Charlie. भाई Let's keep भाई इस moving. बार तो भाई इनको हमने पास भी नहीं आने दिया। ओके भाई हम यहाँ से स्केप होते हैं, Hey, फैक्ट्री we're getting डिस्ट्रॉय by. हो चुकी है Our भाई, excellent बहुत ज़्यादा driving. अच्छा लगा We यार, have to ऐसे do this बंदे के साथ again. बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए भाई, हमको किडनैप कर रखा था इन लोगों ने। ओके भाई ये क्या हो रहा है? एक्सलेंट, आई थिंक सो भाई हमने एक जनरेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओके हमने एक जनरेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओके इसके अंदर देखते हैं, और अब हम से हमारे पास सिर्फ दो ही जनरेटर बचे हैं जिसको डिस्ट्रॉय करना है, उसके बाद हम यहाँ से एस्केप हो पाएंगे। ओके ये अच्छी बात है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।